हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं इमरान खान की ठग लाइफ। ठग लाइफ मतलब थोड़ी टशनबाजी, मतलब एक तरीके का एटीट्यूड जो मज़ा आता है देखने में, अच्छा लगता है किसी को झंड करते हैं। मतलब इंडिया में ऐसा बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि झंड कर दी, झंड मतलब उसकी बोलती बंद कर दी। तो वो वाले सीन्स हम देखने वाले हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। आपने अपने वालिद साहब को बताना है कि वालिद साहब जिस भी मर्जी पार्टी में आप पहले थे, अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोर लगाएं। कुछ गलत बोल दिया क्या? जब फवाद चौधरी को मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया, तो बड़ी लोगों ने जो फवाद चौधरी की टीवी पे परफॉर्मेंस देखी हुई है, बड़ी स्केप्टिसिज्म थी। लोग कहते जी आप साइंस और टेक्नोलॉजी को सीरियसली ले रहे हैं, फवाद चौधरी को आपने बना दिया। लेकिन एक अच्छा कैप्टन हमेशा उसको पता होता है किस प्लेयर को किस नंबर पे खिलाना है। ठग लाइफ। अब जरा वो दूसरा भाई साहब को जरा दिखा दे, ये लंदन में जरा भाई साहब क्यों आप सुन रहे हैं? पिटीशन लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट, खुदा करे अल्लाह ताला ब्रेक दे पाए फिर लोग हमसे, खुदा करे अल्लाह ताला ब्रेक दे पाए फिर लोग हमसे इजाजत मिल जाए तो वाले साहब के साथ होगी, जो कि बहुत ही आम बात है। बाकी इनकी दूसरी जो ट्रीटमेंट हो जा रही है तो हार्ट के लिए इंशाल्लाह जल्द अपॉइंटमेंट। ख्वातीन रोना नहीं है आपने? रोना नहीं है, अपनी आंखों के आंसू पहुंच लें। बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता जो अभी एक्टिंग किया है। ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर पे कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंघम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। तगड़े वाले। एक नहीं, जो आप डिग्री थे जब आपने पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, ये आपकी अदालत का सीन है। आपको सबसे कम नंबर मिले थे पॉलिटिकल साइंस में। खोल खोलने की कोशिश की जा रही है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से इसके ऊपर रिसर्च करें, और जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स के पेपर के अंदर मुझे ऑक्सफोर्ड के अंदर, ये आप याद रखें कि ऑक्सफोर्ड के अंदर सारे ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स जाते थे, उसके अंदर मुझे टॉप सेकंड मिला था। सच में क्या बात है? बिलावल ज़रदारी का आपको नहीं पता इसने काम क्या किया है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल ज़रदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। तगड़ी जानकारी है, बिल्कुल उन्हीं के लहजे में। सर, जब आपको टीम से पहले मैच में निकाला गया था तो क्या आपने टीम मैनेजर से पूछा था कि आपको क्यों निकाला? टीम से पहले के मैच से पहले नहीं,
मुझे पता था क्यों निकाला। मेजर साहब चले गए लेकिन शोहाना हमेशा हमारे साथ रही। मलिक जमान नसीब। मलिक हाँ मलिक जमान खड़े हो। ये भी हमारे शहर में पहली दफा फंक्शन की थी। नहीं नहीं तुम बहुत लेट आए थे। असेंबली में अंग्रेजी में तकरीर कर दी। अब बिलावल भुट्टो क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं फिरे, उनको यही नहीं पता कि यहाँ बड़े कम लोगों को अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी में तकरीर कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में अवाम को अंग्रेजी आती नहीं। और जो अंग्रेजी बिलावल भुट्टो ने बोली वो असेंबली में भी ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आई, खास तौर पे नून लीग और JUI के तो लोगों को मुझे लगता समझ नहीं आई, क्योंकि वो इतने घबराए वो अंग्रेजी सुन के कि उन्होंने गलत तरफ मुंह करके असेंबली में नमाज पढ़ दी। गलत तरफ मुंह करके हम मैं फिजा खराब नहीं करना चाहता, मैं माहौल अच्छा रखना चाहता हूँ। मैं भी कह सकता हूँ आपके मुतल्लिक कुछ, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं माहौल अच्छा रखना चाहता हूँ। ओ ख्वाजा आपसे आपके बाप का पैसा है? जली ना, तेरी भी जली ना। ये पाकिस्तानी कौम के पैसे की आप बात कर रहे हैं? आपके बाप का पैसा होता तो आप माफ कर देते लोगों को। बहुत बढ़िया नौजवान। ये वो बिना साहब तो नहीं आ रहे? नहीं खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया गया। बहुत सही था यार, मजा आया देख के। एक से एक तगड़ा जबरदस्त टग लाइव दिखाई है भाई इसमें। एक से एक मतलब वीडियो बनाने वाले ने भी कमाल करा है, लेकिन जो मेन आदमी है वो तो इमरान खान ही है भाई। उन्होंने क्या जबरदस्त इसमें लाइन मारी है, एक से एक झंड करी है लोगों की, मतलब मुंह पे ही बोल दिया। मतलब पब्लिक के सामने कैमरा लगा हुआ है, माइक्स लगे हुए हैं, सबके सामने एक जगह तो बोल दिया उन्होंने, नहीं नहीं तुम लेट आए थे। हाँ भैया सबके सामने बोल दिया। टग लाइव जो थी बहुत ज़बरदस्त थी कई जगह पर, जैसे फवाद चौधरी को जो उनकी खिंचाई करते हुए कि पब्लिक ने ऐसे ऐसे किए, मतलब उनको वहीं पर बैठकर के सामने बताया उनको कि ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस रही थी, वो इस तरह की थी, मतलब कुछ अनकंफर्टेबल हो गए होंगे या फिर कुछ हो गया होगा, जो भी सीन रहा होगा। उसके बाद उन्होंने सबके सामने ये बोला कि पब्लिक ऐसा बोल रही है कि आपने गलत किया है, लेकिन उन्होंने बाद में जो क्लैरिफिकेशन दिया है कि कप्तान को पता होता है कि कौन से खिलाड़ी को किस नंबर पर उतारना है, तो वो सबके मुँह बंद करने वाली चीज़ थी, बहुत ज़बरदस्त। एंड बहुत जो सबसे तगड़ा वाला जो मुझे लगा था वो आपकी अदालत वाला सीन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एंकर ने कि आपको सबसे कम मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में मिले हैं, ऐसा लोगों का मानना या फिर लोगों में ऐसी अफवाह फैली हुई है या फिर बात फैली हुई है, क्या ये सच है? तो उन्होंने बोला कि ऑक्सफोर्ड में पढ़े होंगे तो वहाँ पर सेकंड हाईएस्ट नंबर्स उनके आए थे उस सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में, जाकर दोबारा रिसर्च करिए। वो टग लाइफ जो थी यार वो बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। एंड उस पर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, मतलब सेकंड हाईएस्ट नंबर्स लाना मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो मेरे लिए भी शॉकिंग था सच में। वो भी सही था, आइंस्टाइन घबरा गया, ऐसी उन्होंने बात बताई, एक अलग यूनिक बात बताई कि बारिश बहुत बारिश होती है तो बहुत पानी पड़ता है, कुछ इस तरह से जो बोले थे, बहुत ज़बरदस्त था। मतलब वो जो एक लहजा अपनाया था उन्होंने उन्हीं की तरह जिनकी ये कॉपी कर रहे थे, तो वो जो मिमिक्री की है यार बहुत ही बढ़िया मिमिक्री थी। मज़ा आ रहा था उसको सुनकर कि इमरान खान ये भी कर सकते हैं, लोगों को हंसा भी सकते हैं अपनी बातों से। बिलावल भुट्टो की जो अंग्रेज़ी पर कॉमेंट्स किए हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त थे, मतलब
अब वो फैक्ट था कि जो मोस्टली आप पब्लिक है वो इंग्लिश नहीं समझती है, तो उनके सामने इंग्लिश बकने की ज़रूरत ही क्या है। एंड असेंबली की भी बात की इन्होंने कि उसमें ऐसी अंग्रेज़ी बोली कि लोगों ने दूसरी तरफ मुंह कर कर नमाज़ पढ़ी, काबे की तरफ ना कर कर मुंह किसी और तरफ मुंह कर कर नमाज़ पढ़ी, तो वो बहुत अजीब और ज़बरदस्त था। ओवरऑल ज़्यादातर इसमें जो इनके ठग लाइफ सीन्स थे बहुत बढ़िया लगे। अगर आपको देखकर मज़ा आया ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर छोड़ें एंड लाइक करके शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड सभी को ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।